हे मंत्री जी, शीघ्र जाकर राम को बुलाकर लाओ, सब समाचार को सुनाओ। अच्छा महारानी, मैं अभी जाता हूँ। हे राम, हाय राम, हाय राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। हे राम, हाय राम, माता जी प्रणाम, पिता श्री प्रणाम, चिरंजीव, हाय राम, हाय हाय। कोई बात नहीं, सुन दे। कृपया कर उसे क्षमा कर दीजिए और कोप का जो भी कारण है उसे मुझे बताने का कष्ट करें। का
कोई कारण नहीं, मैंने राजा के कहने के अनुसार ही अपने दो वरदान मांगे, एक से तुम्हें वनवास और दूसरे से भरत को राज तिलक। लेकिन तुम्हारे स्नेह के कारण ये धर्म से हार गए हैं। यदि तुम चाहो तो उनका वाक्य सिद्ध कीजिए। तुमको माता पिता एवं भाइयों को सुख देने वाले हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है, भरत इसी कारण
यहाँ नहीं आ रहा। हे माता, यह छोटी सी बात पर पिताजी ने दुख गलत माना। इस विषय में मुझे पहले ही कह देते तो मैं स्वयं ही समस्या को सुलझा देता। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस शरण अच्छा तो यह है दुख और ना इनको पहुंचाओ, जितने जल्दी ही हो सके तो इनके आगे से हट जाओ। है अंतिम आज्ञा और मेरी, फिर लौट यहीं पर आना है, मैं बनवासी वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहनकर वन को जाना है। जो आज्ञा माता श्री।